जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि यार हमारे देश की मिट्टी में कुछ अलग ही बात है, और ये सही भी है। और मैं क्या, हम सभी लोग यही मानते हैं, पर आजकल हमें ये मिट्टी देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि हम रहते हैं इन कंक्रीट से भरे शहरों में जहाँ पर मिट्टी पर बनाई दी जाती है रोड और लाइफ कर दी गई है बिल्कुल इजी। पर यार कुछ लोग इन सभी रूल्स को तोड़कर ले जाते हैं अपनी दो पहिया और चार पहिया वाहनों को ऑफ रोडिंग के लिए। यस, क्योंकि उनको चाहिए जिंदगी के फुल टू मजे और एडवेंचर। अब भाई ऑफ रोडिंग वाला एडवेंचर करना हर किसी को पसंद होता है, और यार जाहिर सी बात है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 100% आपको ही पसंद होगा, और खास तौर से बाइक वाला। और वैसे भी इंडिया में इस कल्चर को कुछ ज्यादा ही बढ़ाया जा रहा है, तो यार इसी चिंगारी को हवा देने के लिए लेकर आ गए हूँ एक और वीडियो, जिसमें मैं बताने वाला हूँ आपको सभी वो एडवेंचर बाइक जो कि आपके लद्दाख जाने वाले सपने को पूरा करेगी, वो भी बजट में। तो यार बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब यार दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी मैंने बाइक्स रखी है वो कोई सीक्वेंस वाइज नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई बाइक फर्स्ट नंबर बता रहा हूँ तो यार ऐसा नहीं है कि वो बाइक सबसे अच्छी है या सबसे बुरी है, या अगर मैं आपको कोई बाइक लास्ट में बता रहा हूँ तो यार वो बाइक सबसे ज्यादा अच्छी है और सबसे ज्यादा बुरी है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हर किसी को अपने अपने बजट के हिसाब से और अपनी अपनी नीड के हिसाब से और ऑब्वियसली अपने हाइट के हिसाब से एडवेंचर बाइक चाहिए होगी। तो यार आपको जो अपने बजट के हिसाब से बाइक सूट हो और आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो अच्छी लगे आप वो ले सकते हो। सो लेट्स बिगिन, KTM 250 एडवेंचर। अब यार दोस्तों, वीडियो को रोककर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि KTM को छपरी होने का टाइटल क्यों मिला है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी और आप जानना चाहते हो कि एक्चुअल में इस बाइक को छपरी होने का टाइटल जो मिला है वो किस वजह से मिला है, तो यार आप वो वीडियो देख सकते हो, आई बटन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, देख लो। तो आ जाते हैं KTM 250 एडवेंचर पे। यहाँ पर हमें इस बाइक में देखने के लिए मिलता है 248.76 cc का लिक्विड कूल इंजन, जिसमें है 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ट्रांसमिशन, और इसका वेट है 177 kg। इसका फ्यूल टैंक जो है वो हमें यहाँ पर 14.5 लीटर का देखने के लिए मिलता है, और इसका माइलेज जो है वो है 32 km/l, मतलब कि एक बार पेट्रोल फुल कराओ गाड़ी में और आप अपना ट्रेवल 420 किलोमीटर तक आराम से कर सकते हो। इसकी सीट हाइट जो है वो है 855 mm की, और इसका पावर है 29.63 bhp, अप्रोक्स 30 आप मान सकते हो। टॉर्क हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है 24 Nm का, और यहाँ पर बाइक में हमें डुअल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है, और इस बाइक का प्राइस है 2,36,000 एक्स शोरूम। बाइक में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर हमें 12V सिगरेट चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलता है, जिससे आप अपना फोन आराम से चार्ज कर सकते हो, और इसके सस्पेंशन काफी ज्यादा अच्छे हैं। और पावर में यहाँ पर हमें थोड़ी सी कमी देखने के लिए मिलती है, पर फिर भी KTM को हम पावर के मामले में जज नहीं कर सकते, KTM ऑलरेडी बहुत अच्छी बाइक्स बनाता है। हाँ, अगर आपकी हाइट 5.9 है तो आप इसे आराम से चला सकते हो, 5.8 वाले भी इसे आराम से चला सकते हैं, बट यार फिर भी अगर आपकी हाइट थोड़ी सी इसके नीचे है थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा। नेक्स्ट बाइक जो है वो है रॉयल एनफील्ड हिमालयन। यहाँ पर हमें इंजन जो है वो 411 सीसी का देखने के लिए मिलता है, वो भी एयर कूल्ड वाला। पावर हमें ये बाइक जो है वो 24.3 bhp के प्रोड्यूस कर दे देती है, और इसका टॉर्क है 32 Nm का। सिंगल सिलेंडर गाड़ी है, कूलिंग सिस्टम जो है मैं बता चुका हूँ, एयर कूल्ड इंजन है इसका, और इसकी जो हाइट है सीट की वो है 800 mm। ग्राउंड क्लियरेंस का काफी अच्छा है, वो है 220 mm का। बाइक का वेट है 199 kg, अप्रोक्स 200 kg आप मान सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी 15 लीटर की, और इसका माइलेज है 32-35 km/l। और हाँ, इसमें ABS जो है वो स्विचेबल आते हैं, और इस बाइक का प्राइस जो है वो है 2,16,000। और जो भी लेटेस्ट वाला मॉडल है उसमें कंपनी ने काफी ज्यादा अपग्रेड्स तो नहीं, बट हाँ कुछ कुछ फीचर्स में अपग्रेड कर दिया है। तो यार अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर डेडिकेटेडली एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं इसके लिए एक पर्सनली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो रॉयल एनफील्ड हमारे इंडिया के बाइक राइडर्स की दिल की धड़कन है। होंडा CB200X। यहाँ पर हमें इस बाइक में 184 सीसी का एयर कूल इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि प्रोड्यूस कर सकता है 17.2 bhp। इसका मैक्स टॉर्क है वो है 16.7 Nm का, और बाइक का टोटल वेट है 147 kg। बाइक की सीट हाइट है 810 Nm की, और बाइक में टोटल हमें 5 गियर्स देखने के लिए मिलते हैं। ब्रेकिंग के लिए यहाँ पर हमें सिंगल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है, और अगर बाइक के फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पर हमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है। बाइक में सिर्फ मुझे पर्सनली एक ही कमी लगती है, जो कि है इसके अलॉय व्हील्स। यहाँ पर कंपनी अगर स्पोक व्हील्स देती तो ज्यादा बेटर होता। अगर बाइक के प्राइस के बारे में बात तो यह है 1,48,000 एक्स शोरूम। V-Storm SX। बाइक में हमें यहाँ पर 249 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि प्रोड्यूस कर सकता है 22.2 Nm का टॉर्क, और इसकी पावर जो है वो है 26.5 bhp। बाइक जो है वो सिंगल सिलेंडर आती है, और यहाँ पर हमें फ्रंट और रियर में दोनों ही डिस्क देखने के लिए मिलते हैं। अगर बाइक की वेट के बारे में बात करें तो यह 167 kg का, और बाइक का माइलेज जो है वो है 35 km/l। इसका फ्यूल टैंक जो है वो हमें यहाँ पर 12 लीटर का देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर फिर से हमें कोई भी स्पोक व्हील्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, सिंपली कंपनी ने अलॉय व्हील्स यहाँ पर हमें दे दिए हैं। और यहाँ पर बाइक का वेट 167 kg। V-Storm SX का प्राइस जो है वो हमें एक्स शोरूम देखने के लिए मिलता है 2,12,000 का।
अब बात करते हैं लिस्ट में सबसे पर्सनली मेरी फेवरेट वाली बाइक की, जो कि है यसडी एडवेंचर। बाइक में हमें यहाँ पर 334 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो कि 30.2 bhp की पावर प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल है। अगर मैक्स टॉर्क की बात करें तो यहाँ पर 29.9 nm का टॉर्क हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बाइक जो है वो सिंगल सिलेंडर और यहाँ पे कूलिंग सिस्टम दे रखा है लिक्विड कूल्ड वाला। अगर इसके माइलेज की बात करें तो यहाँ पर 35 km/h निकालकर आराम से दे देती है। और इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पर फ्यूल टैंक जो है वो है 15.5 लीटर का। इसकी सीट हाइट है 851 mm की और ग्राउंड क्लियरेंस इसका 220 mm का। फ्रंट और रियर में हमें दोनों में ही डिस्क देखने के लिए मिलते हैं, वो भी ABS डुअल चैनल वाले। बाइक का टोटल वेट है 198 kg। और बाइक में देखो पर्सनली मुझे जो चीज पसंद आई वो है इसकी एडजस्टेबल विंडस्क्रीन। और बाइक में यहाँ पर हमें स्पोक व्हील्स भी देखने के लिए मिलते हैं। और हाँ, एक चीज यार जो उसके बारे में हमेशा कंप्लेंस रहती है कि यार ESD एक नया ब्रांड है, इसे इंडिया में एस्टेब्लिश होने में अभी थोड़ा और टाइम है, तो इसकी सर्विसिंग बहुत लिमिटेड है। हो सकता है कि आपका जहां घर है उसके आसपास ESD का शोरूम ना मिले, बट फिर भी बाइक बहुत सही है और अगर इस पे एसेसरीज लोड की जाए तो ये बहुत सेक्सी दिखे। बाइक का प्राइस है 212,000। तो यार भाई, नेक्स्ट बाइक जो है हमारे लिस्ट में वो है एक्सपल्स 200। बाइक में हमें यहाँ पर 199 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि प्रोड्यूस कर सकता है 19.9 bhp। टॉर्क की बात करें तो यहाँ पर 17.35 nm का टॉर्क हमें देखने के लिए मिलता है। बाइक है सिंगल सिलेंडर और यहाँ पे कूलिंग के लिए ऑयल कूल टेक्निक यूज करी गई है। बाइक की हाइट अगर देखा जाए तो वो है 885 mm की और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इसका 270 mm का है। फ्रंट और रियर में दोनों में हमें डिस्क देखने के लिए मिलती है, वो भी ABS सिंगल चैनल वाली। और अगर बाइक के फ्यूल टैंक की बात करें तो ये है 13 लीटर का और इसका एवरेज जो है वो है 40 km/h, मतलब एक लीटर में आपको ये 40 किलोमीटर का रन आराम से निकाल कर देगी। अगर बाइक के वेट के बारे में बात की जाए तो ये है 153 kg। बाइक में हमें यहाँ पर स्पोक व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं और अगर बाइक के प्राइस के बारे में बात की जाए तो ये है 1,28,000 की। और हाँ, बाइक में हमें यहाँ पर दो वेरियंट देखने के लिए मिलते हैं, 2V और 4V। That's it guys, ये थी सारी वो बाइक जो कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बाइक एडवेंचर लवर के पास होनी चाहिए। और अगर आप पर्सनली मेरी पूछे तो यार मुझे इसमें से ESD एडवेंचर और KTM 250 एडवेंचर काफी ज्यादा पसंद है। अगर फ्यूचर में कभी पैसा आए तो मैं बिल्कुल इसे लेना पसंद करूंगा। और हाँ, सॉरी वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट यार आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए रेगुलरली वीडियोस लाता रहूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो वो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।